नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में खुद को एसपी का नजदीकी बता करके गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर हजारों रुपए ठगी करने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गांव क्रीडान का निवासी आरोपी महेंद्र सिंह, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को रिमांड पर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी दलजीत सिंह ने बताया है कि आरोपी महेंद्र ने फतेहाबाद में दीपेश नाम के एक शख्स से 31,000 रुपये ये कह करके ले लिए कि फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार का उनका नज़दीकी रिश्ता है और उनका गन का लाइसेंस वे बनवा देंगे। वहीं गन लाइसेंस बनवाने के एवज में आरोपी महेंद्र ने दीपेश से रुपये ले लिए, लेकिन बाद में लाइसेंस नहीं बना तो दीपेश ने फतेहाबाद के एसपी को फ़ोन कर दिया। एसपी राजेश कुमार को जब मामले का पता चला तो उन्होंने तुरंत मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसके बाद फतेहाबाद सिटी थाना में शिकायतकर्ता दीपेश की शिकायत पर आरोपी महेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आज आरोपी महेंद्र को फतेहाबाद से गिरफ्तार कर लिया, उसे रिमांड पर लेकर के आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीएसपी ने बताया कि आरोपी महेंद्र से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में सभी जगह निशानदेही और ठगे गए रुपयों की रिकवरी की कार्रवाई कर रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। इस प्रकार है जिला ऐसे राजीव दीपेश होने की कंप्लेंट के ऊपर लाइसेंस बनाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया था। इसमें महेंद्र गाँव के डांस से उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हमारे दो दिन की पुलिस रिमांड के ऊपर भी है और गिरफ्तारी और जो इसका जो है ना रिकवरी भी करवाई जाएगी इसमें, और इसने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया है। क्या गुनाह जी, क्या कैसे किस प्रकार इसने वो ठगी की थी? इसने कहा भी मेरी पुलिस विभाग में जानकारी है और मैं ये काम करा दूँगा लाइसेंस बनाने का, लेकिन ऐसा उससे हुआ नहीं। उसने वहाँ से 31,000 रुपये लिए गए थे तो उसका जो ये मैटर है ना जी, उसके संदर्भ में ही ये मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है जी? अब इससे पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है और इसमें जगह की निशानदेही और रिकवरी करवाई जा रही है।